व्यूअर्स गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। 2 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं व्लॉग और वृंदावन की गलियों में हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम आए हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए, तो अभी महाराज जी आने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आएंगे महाराज जी। हम उनके दर्शन कर रहे हैं और नहा धो के पूरे रेडी हो चुके हैं, तो अभी महाराज जी आएंगे, हम उनके यहाँ पे दर्शन करेंगे। देखो सारे उनके दर्शन के लिए खड़े हैं यहाँ पे, देखो जितने भी बंदे हैं ये तो उन्हीं के ही हैं, सारे उनके दर्शन के लिए खड़े हैं सारे। भाई टेंशन हो चुके सर, यहाँ पे हमने प्रभु जी से बात करी थी क्योंकि राधा रेड्डी खुल चुके हैं और महाराज जी इस साइड से अभी आएंगे, वहाँ से आएंगे तो यहाँ से महाराज जी जाएंगे। अभी हमने बात करी उनसे, शायद हमें अभी टाइम हो रहा है 2:06 हो रहे हैं, तो हमें अंदर जाके बैठने का भी मतलब मिल सकता है मौका, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मिल सकता है। तो बस अभी हमने नॉर्मली जस्ट बात करी थी, लेकिन अंदर वार्तालाप के लिए और बैठने के लिए भी ना टोकन लेना पड़ता है, जो कि आज मिलेगा और उसके बाद कल हो सकता है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो महाराज जी आने वाले हैं, हम नाम जाप करते हुए मस्त जा रहे हैं अपना। अब आगे लाइन लगी होगी तो भीड़ देखते हैं कितनी लंबी है, वो सब भी आपको दिखाता हूँ। और मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तू भी तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है, हाँ, तो देखते हैं अब कैसा एक्सपीरियंस होता है। भगवान की कृपा रही तो शायद अंदर भी जाने का मौका मिल सकता है। और ठंड हो गई है भाई, यहाँ पे ठंड हो चुकी है सही में, इस तरीके से सजावट हो रही है यहाँ पे, मतलब महाराज जी के आने की इतनी एक्साइटमेंट है ना लोगों को डेली। अब तो हम फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, लोग देखो कितने मतलब अच्छे तरीके से सजा रहे हैं। महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैसे बढ़िया बढ़िया गाड़ियों से आ रहे थे, और से भाई कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं महाराज जी के लिए, भाई कितनी अच्छी तरीके से राधा रानी को भी विराजमान कर रखा है यहाँ पे, जय रानी की जय। देखो ये इनके जितने भी किस्से सारे वो हैं, हाँ चप्पल उतार के आनी चाहिए थी यार, इतनी सुंदर रंगोली डेकोरेशन की यहाँ पे सारी माता जी ने, देखो कितनी सुंदर रंगोली बनाई है, मतलब पता नहीं कितनी टाइम से लगे हुए थे और हम तो अभी आए हैं, पता नहीं ये लोग कितने टाइम से लगे होंगे बताओ। देखो कितनी अच्छी अच्छी रंगोली सारी डेकोरेट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जिनको हम अभी तक फ़ोन में देखते थे और अब उनको आज हमें लाइव देखने का मौका मिलेगा, सामने से देखने का मौका मिलेगा, भाई कितनी बड़ी बात है ये चीज़। कितनी अच्छी अच्छी रंगोली बना रहे हैं सारे। तो अभी हम मतलब 2:30 बजे वहाँ से महाराज जी निकलेंगे, भाई सब भीड़ देखो, मतलब कितने भाई लाइन में सारे बैठ रखे हैं लिटरली, भाई सारे लाइन में भाई साहब कैसे, और मतलब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब बोलने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन लिटरली देखो कितने बड़े बड़े लोग सब मतलब कैसे ही लाइन में बैठ रखे सिर्फ महाराज जी के छोटे से दर्शन करने के लिए, और हम उसे इतना छोटा समझ रहे हैं, पता नहीं लोगों के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। भाई देखो सारे ही लाइन में बैठ रखे, कितनी बड़ी लाइन है केवल। सबसे पहले तो मतलब महाराज जी के दर्शन हो गए अच्छे से, बस मैं आपको करा नहीं पाया क्योंकि शूट के लिए मना कर दिया गया था, हम बिल्कुल अंदर चले गए थे और अंदर से अच्छे से महाराज जी के दर्शन हो गए। अभी 8 बज रहे हैं तो अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन, इस्कॉन में ही जाएंगे, मत्था टेकेंगे और थोड़ा अपना पेट पूजन करेंगे, मतलब देखिए क्या खाने को मिलेगा। अभी तो यहाँ पे फिलहाल कुछ खाया नहीं हमने, बाहर का हम थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं कि बाहर का ना ही खाएं, तो मंदिर चल रहे हैं, मंदिर के देखते हैं प्रसादम में क्या होगा। नीच चल रहा है मेरे साथ और अभी टाइम देखो 8:02 हो रहे हैं, तो मस्त धूप निकल गई भाई, सुबह सुबह तो एकदम ठंड लग रही थी और अब चल रहे हैं सारे, परिक्रमा लगा रहे हैं, ये परिक्रमा मार्ग है तो यहाँ पर सारे लगा रहे हैं। अब हम पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद 2-3 जगह घूम के फिर देखते हैं आगे कहाँ जा सकते हैं। हम फाइनली आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर, वृंदावन के इस्कॉन मंदिर आ चुके हैं, यहाँ वाले मतलब इस्कॉन में आए हैं, और ये मैंने अभी तक सिर्फ जस्ट वीडियो में ही देखा था। दिल्ली वाले इस्कॉन तो घूमते रहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं ये वाले इस्कॉन, तो कहाँ से कैसे दर्शन करने, पहले शिला प्रभुपाद जी के पास पहले चलते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनके दर्शन करते हैं, आ गए पहले दंडवत प्रणाम करेंगे इस तरीके से। इस्कॉन आना ना, मतलब यहाँ वाले इस्कॉन में आना, यहाँ पे हर एक चीज़ अच्छे से बताई गई है, अपने दिल्ली वाले इस्कॉन में इतना अच्छे से नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे हर एक चीज़ अच्छे से बताई गई है। प्रभुपाद जी के चरण है जो कि हम भी आशीर्वाद ले लेंगे,
और ये देखो मतलब अच्छे से एकदम डेकोरेशन की गई है, कितना अच्छे से आया है। और यहाँ पे सब बैठ के नाम जाप कर रहे हैं। ओके तो हम इधर से चलते हैं, कहाँ जाना है अब? गाइस मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, मतलब फॉरेनर देखो कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे, बहुत फॉरेनर है भाई, मतलब इंडियन लोगों के अलावा ही फॉरेनर हैं ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, होना चाहिए, मतलब सब में इंडियन संस्कृति, मतलब हमारे भारतीय संस्कृति सब में होनी चाहिए। इसमें मतलब हर एक लैंग्वेज की भगवद गीता, हर एक लैंग्वेज की बुक्स मिल जाएंगी आपको। इस तरीके देखो हर एक कंट्री के मैप भी, निशान भी लगे हुए हैं, अपना इंडिया का ये रहा, बस यही सबसे अलग चमकता है। चलो कहाँ चलना है अब? टेम्पल के लिए जाना है इधर। ये रे विष्णु भगवान जी, यहाँ का ऐसा सा कौन है, इधर चलिए क्लास और देखिए क्लास भी जो ले रहे हैं वो भी फॉरनर ही हैं, मतलब इतने फॉरनर्स हैं ना अभी, इतने फॉरनर्स हैं, बहुत है बहुत। दर्शन कर लीजिए आप सब भी। ये है म्यूजियम है जो कि प्रभुपाद जी ने शुरू करा था, मतलब प्रभुपाद जी ने जैसे हमारी कल्चर को आगे बढ़ाया, पहले राधा रानी आई थी। अब यहाँ से अपने भगवान जी शुरू, राधा रानी शुरू, देखिए और जिस तरीके से इन्होंने बताया सबको, भिक्षा दी कैसे जो भी है सब बताया, देखो नारायण जैसे मिली आपको, फिर उसके बाद ये पांच तत्व आए, देखो इन्हें कैसे कैसे भिक्षा मिलती गई, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद जी ने किसी जैसे पूरी भागवतम वगैरह सब लिखा, जैसे कैसे कहाँ पे गए, यहाँ से आउट ऑफ इंडिया गए, आउट ऑफ इंडिया में चलाया और करते 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 पूरे इंडिया में इस्कॉन मतलब आ गया, पहले इंडिया में था बट इंडिया में मंदिर था, इस्कॉन पूरे वर्ल्ड से फैला है। उसके बाद ये पांच तत्व आए और फिर हमारे जगन्नाथ जी की यात्रा जो निकली थी। और ये देखो, ये कमेंट करके बताना कौन से भगवान है, मतलब सब मिक्स ही हैं, सब एक ही है। कौन है? श्री कृष्ण। इस इस्कॉन की सबसे फेवरेट चीज़ खिचड़ी प्रसादम, तो अभी फ़िलहाल हम यही खा रहे हैं, तो उसके बाद चलते हैं, फ़िलहाल अभी ये खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है अभी हमें। वृंदावन मतलब बांके बिहारी के मंदिर और भीड़ देखो यार, पत्नी अब हम पता नहीं आगे कैसे जाएंगे। तो आगे हम बांके बिहारी जी के मंदिर और यहाँ से करते हैं दर्शन, देखो दर्शन हमें कैसे हो पाते हैं, जो भी होगा बता दूंगा, ऐसे वीडियो में दिखा तो नहीं पाऊंगा, बहुत भीड़ है। और मंदिर आए हैं राधा रानी के मंदिर, देखो दर्शन कर लो आप सब भी। तो अभी देखो अभी टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, 10 बज गए, हम 10 बजे सुबह सुबह आ गए, मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ, क्योंकि 12 बजे तक सारे मंदिर बंद हो जाएंगे इस वजह से। गाइस सारे मतलब वहाँ के मंदिर होके आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं राधा रमन मंदिर, और मैंने ये माला खरीदी है चैंटिंग के लिए, क्योंकि मेरी माला ख़राब हो रही थी इस वजह से, अभी खरीद ली मैंने, वृंदावन आया तो ले ली, बाकी अब देखो। हरे कृष्णा। नहीं नहीं प्रभु जी, तो बस यहाँ से पहुँचने वाले हैं, अब ये वाला मंदिर यहाँ पे शूट करेंगे, तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या। आए हैं राधा रमन जी के मंदिर और मैंने पहले चश्मा उतार लिया, भाई यहाँ पे बंदर बहुत हैं, 3-4 बंदर ने टोक दिया कि भाई चश्मा उतार लेना, छीन के ले जाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही हाथ में रख लिया। ओके यहाँ से एंट्री है भाई, मतलब ऐसे पुराने पुराने से मंदिर है ना, और कितने अच्छे लगते हैं ये सब। ओके एंट्री है यहाँ से। A few moments later. So finally भाई हम घर आ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 1:55, मतलब 1:55 हो रहे हैं भाई, थक गया लिटरली, बहुत थक गया, तो हम खाना लाए हैं, थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाएंगे। सो गाइस ये व्लॉग यहीं तक के लिए था,
आपको अच्छा लगा होता है लाइक करना और चैनल पे नए सब्सक्राइब भी कर देना। मैं लिटरली बहुत थक गया सुबह, मतलब 1 बजे से उठे पड़े हम रात के और अभी सोए नहीं, अब खाना खा के थोड़ा बहुत सोएंगे। तो यस, थैंक यू सो मच वॉचिंग। अगर आपको मेरा आज के ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे दिख रहा होगा। मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।